मोतिहारी में एक शादी समारोह के दौरान खुलेआम फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कटहा पंचायत का बताया जा रहा है, जहां एक शादी में जयमाल के दौरान एक शख्स दोनों हाथ से पिस्टल लहराकर फायरिंग कर रहा है। फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान नवीन कुमार यादव के रूप में की गई है, जो कि एक बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। इस मामले पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। हालांकि नेशन न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अभी आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ कि एक वीडियो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो फायरिंग कर रहे हैं किसी समारोह में। उसके संबंध में जैसा कि मैंने पूर्व में भी यहाँ पे कार्रवाई की गई है, चकिया थाना क्षेत्र में भी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भी, इन मामलों में FIR दर्ज करके जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी, और जाँच में सत्य पाए जाने पर जो उनका लाइसेंसी हथियार है उसको जब्त करते हुए जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाएगा।